मंडी जिला में प्रदेश पुलिस के 74 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पड्डल मैदान में चल रही है। भर्ती के दूसरे दिन 1200 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जो भर्ती प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, इस पर इस भर्ती के लिए 14,500 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है और ये प्रक्रिया 29 जून तक जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर SP मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि इस बार पहली बार ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन मांगे गए हैं और भर्ती के दौरान भी सारा डाटा ऑनलाइन ही अपलोड किया जा रहा है। भर्ती के लिए आ रहे अभ्यर्थियों को वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड और अपना आई कार्ड साथ लाने की हिदायत दी गई है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। SP गुरुदेव शर्मा ने बताया कि सुबह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले आए हुए अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया की पहले पूरी जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा का कहना है कि इस भर्ती को लेकर युवाओं में भी खासा क्रेज देखा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पड्डल मैदान में आए हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि इसके लिए उन्होंने करीब 3 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा को पार कर लिया है, वे अब लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। इक्कीस जून 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंडी जिला पूरी तरह योगमय नजर आया। इस मौके पर जहां सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरका घाट में, वहीं विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आयुर्वेद विभाग के सहयोग से मंडी के सेरी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत में बीते कल बंजार में हुए दुखद बस हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में योगा व विश्व कीर्तिमान स्थापित कर्ताओं ने योग के टिप्स दिए। इस दौरान कॉलेजों के अलावा स्कूलों के NCC कैंडिडेट को योग सिखाया। HHH योग समिति गांधी जो अब तक 32 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी, उसके साथियों के योगियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के हिसाब से योग की जानकारी दी। विश्व कीर्तिमान स्थापित कर्ताओं ने इस दौरान स्वस्थ जीवन के लिए योग कितना महत्व है विस्तार से बताया। योग से कैसे निरोग रह सकते हैं, कौन से आसन को करने से कौन सी बीमारी का इलाज होता है, उसके बारे में बताया। योग सीखने के लिए 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली छात्रा के अलावा विश्व कीर्तिमान बनाने वाला 12 वर्षीय छात्र भी शामिल था। अब तक विभिन्न योगासनों में 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली कौशल्या ने बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों को योग करा रहे हैं। वे चाहती हैं कि गांव-गांव जाकर सब लोगों को योग तक पहुंचाया जा सके। बंजार हादसे को लेकर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जांच से पहले ही बस को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। मीडिया से उन्होंने कहा कि सबसे पहले बसों की कंडीशन देखी जाती है, इसकी कंडीशन ठीक थी और बस की पासिंग और इंश्योरेंस भी ठीक पाया गया है। उन्होंने कहा कि बस में ओवरलोडिंग थी, प्रारंभिक जांच में मानवीय चूक लग रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग और स्थानीय पुलिस की लापरवाही भी है। उन्होंने माना कि बस नया चालक चला रहा था, जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क अच्छी है और मोड़ भी खुला है। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री ने ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे दिन जिस जगह हादसा हुआ वहां पत्थर रखकर रोक लगाने का काम शुरू हुआ। मंत्री के हादसे की जांच पूरी हुए बिना ही क्लीन चिट देने को लेकर मृतकों और घायलों के परिजनों ने रोष जताया है। सोलन का ऐतिहासिक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला आरंभ हो गया है। सोलन की देवी शूलनी देवी अपनी बहन से मिलने के लिए नगर भ्रमण कर दुर्गा माता मंदिर पहुंची। आस्था का प्रतीक इस मेले में हजारों लोग
माता के इस भ्रमण में उनके साथ निकले। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर शहरवासी नाचते गाते अपनी माता को पालकी में उठाकर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। माता की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि माता शूलिनी आज अपनी बड़ी बहन से मिलने निकली हैं और सभी शहरवासी अपनी नजरें बिछाए माता का स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उनके लिए सौभाग्य का दिन है, उन्हें भी शूलिनी माता का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उन्होंने अपनी और मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को मेले की बधाई दी और सभी के मंगल भविष्य की कामना भी की।